द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे और गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए। खैर ये तो चलता रहेगा, रोज़ का रोना है मेरा हर ब्लॉग में गर्मी का रोना है। आज मेरे घर है कुछ मेरे हस्बैंड के कलीग्स हैं, वो आ रहे हैं तो उसकी दावत की कर रही हूँ मैं। कल रात से काफ़ी कुछ काम कर चुकी हूँ तो अभी मैं ट्रैफल असेंबल करने वाली हूँ। और पीछे ये देखिए आसिफ काम कर रहा है ये प्याज काट रहा है, बिरयानी बनानी है, दम का कीमा है उसका मैरिनेशन कर चुकी हूँ, बेक चिकन बनाना है वो मैं मैरिनेट करके रात को ही रख चुकी हूँ, ट्राइफल के लिए कस्टर्ड रात में बना लिया था, जेलीज रात में सेट कर ली थी, अब बस इसको असेंबल करना है। चलिए करते हैं। देखिए तैयारी मेरी कंप्लीट है। ये केक था, प्लेन केक जो होता है उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ये जेलीज हैं इनको भी कट कर लूँगी, ये मेरे पास बनाना और मैंगो है, कस्टर्ड वनीला फ्लेवर में है और ये रहा मेरा बोल जिसमें मैं असेंबल करूँगी। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट मुझे लगता है कि इसके बगैर ट्रैफल इनकम्प्लीट है, टेस्टी नहीं बनेगा, वो है ये क्रीम। तो ये मैं ले आई हूँ फ्रिज से, अब थोड़ा ट्रैफल मैंने डाल दिया है यहाँ पे, अब इस पर जेली कट करके ये डालूँगी तो देखते हैं कैसे बनता है। अच्छा अब इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पर फ्रूट ऐड कर रही हूँ। वैसे तो जब मैं घर के लिए बना रही होती हूँ तो मैं ऐसे ही सब सारा मतलब कस्टर्ड में डाल के और मैं मिक्स करके उसको फिर सर्व कर देती हूँ, लेकिन आज गेस्ट आने वाले हैं तो मैं इस तरह कर रही हूँ। अच्छा हाथ मेरे बिल्कुल क्लीन हैं, धुले में हैं, तो क्योंकि बीच वाले जो पीसेस होते हैं ना जेली के वो बहुत परफेक्ट होते हैं। देखिए शेप्स इनकी परफेक्ट होती हैं, ये डायमंड शेप में मैंने कट लिया है, ये देखिए। तो साइड्स वाले जो पीसेस होते हैं ना वो मैं सेंटर में फिलिंग में डाल देती हूँ। ताकि टेस्ट भी अच्छा रहे, हर जगह एक सा आए और लुक भी मेरी अच्छी रहे। ये देखिए इसी तरह हम रेड वाली जेली भी ले लेंगे साइड्स वाले पोर्शंस। अच्छा वैसे एक हाथ से ब्लॉगिंग करना और एक हाथ से काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट भाई। एट्स ऑफ दोज पीपल जो ये करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिनका ये है जो रेगुलर बेसिस पे इसी तरह व्लॉगिंग भी करते हैं, घर के काम भी कर रहे होते हैं। और ये थोड़ा सा ये केक है ये मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक लेयर हमारी इस तरह हमने असेंबल कर दिया है, इसका आउटर लुक इस तरह आ रहा है। अब हम बाकी लेयर्स भी बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमारे ट्रैफल का लुक आया है। मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ डेकोरेशन के साथ बट दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। ये देखिए अब खाने के बाद और टेस्ट का पता चल जाएगा, बाकी अब मैं दिखाती हूँ मैंने और क्या क्या तैयारी की है। इसको रख देती हूँ पहले फ्रिज में। जी हमारे घर में दावत है आज और गैस बिल्कुल जा चुकी है, बिल्कुल नहीं आ रही। अब बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह चीज़ें मैनेज करूँ क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 5 नहीं 4 बज रहे हैं और मुझे बिरयानी का मसाला तैयार करना था। लेकिन सॉरी ये देखिए कितना बोर्ड लग रहा है, इसको मैं सही कर लूँ। यस तो अब समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोटा सिलेंडर है उसके ऊपर रखे कुछ तो काम स्टार्ट करूँगी, बाकी अब अल्लाह मालिक है, मुझे नहीं पता क्या होगा। फ्रस्ट्रेटेड। दम का कीमा है ये रात को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, ये प्याज है जो इसके लिए मैंने रखी है अभी, ये पूरा चिकन है जो बेक होगा। देखिए अब ये सिलेंडर पर रख के काम हो रहा है। हाँ हमारी ज़िंदगियाँ क्या हो गई हैं इस मुल्क पर रहते हुए। खैर कुछ ना कुछ तो करना है क्योंकि मेहमानों को थोड़ी आप ये कह सकते हैं कि गैस नहीं थी, खाना तो तैयार करना ही पड़ेगा। ये देखिए एक सैलड मेरा ये पोटैटो सैलड रेडी हो गया, इसको हम फ्रिज में रख नहीं जाता, बोल की तरफ कैमरा करके बोल जाती हूँ। दूसरा सैलड गैस आ जाएगा तो हम बॉयल करेंगे पास्ता और पास्ता के साथ बनाएंगे सैलड, इसको फ़िलहाल मैं रखती हूँ फ्रिज में। सुनिए कॉमेंट्रियाँ, लाइट नहीं है, UPS पे चलेगा पता नहीं चलेगा, इंडक्शन की बात हो रही है कि इंडक्शन ले लिया जाए। अब इंडक्शन पे भी कोई मासिव कुकिंग तो हो नहीं सकती है, अब जिस तरह हमें पकाना होता है ना दावतों का खाना, तो ये है कि चलो चाय वाय बन गई, थोड़ा दूध शूद गर्म हो गया, थोड़ा बहुत ग्रीन टी बन गई, लेकिन इतना थोड़ी खाना बन सकता है इंडक्शन पर। खैर अल्लाह मालिक है क्या होगा क्या नहीं होगा, बस गर्मी ने बहुत बुरा हाल किया हुआ और इस गर्मी के साथ सारा काम द
दावतें बुरी लगती हैं, जहर लगती हैं मुझे गर्मियों में, लेकिन चलो किसी ने आना है तो आना है। हाल ऐसा हुआ हुआ था अभी, हालांकि शावर लेके कपड़े चेंज करके बैठी हूँ, बट स्टिल खैर पहले मैं उसको जवाब देती हूँ फिर आप लोग से बात करती हूँ। तो जी आज है मेरे ख्याल में 27th और 30th को है मेरे बेटे की बर्थडे, तो ही इज़ वेरी मच इनटू फुटबॉल नाउडेज। उसको बहुत दिल था कि दिल होता है उसको, मतलब पसंद है फुटबॉल खेलना। सो उसको अभी था कि मुझे बर्थडे पे आप फुटबॉल किट और ये सब चीज़ें गिफ्ट कर दें। खैर वो सब चीज़ें कर करा के हम लोगों ने सरप्राइज़ की तरह उसके लिए अरेंज कर लिए हैं। बट द थिंग विच ही डजंट नो कि यहाँ पे एक फुटबॉल कैंप है बच्चों के लिए, हिल पार्क के पास कहीं हो रहा है, हम उसमें उसको एनरोल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जस्ट वेंट के चेक करके आए वहाँ पे क्या है, स्पेस है नहीं है, और मी बात हुई है वैसे तो होपफुली अल्लाह करे सब कुछ हो अच्छा हो जाए और उसका वहाँ पे हम लोग एडमिशन करवा दें, बिकॉज ही बी रियली हैप्पी। बस फिंगर्स क्रॉस अल्लाह करे हो जाए। अब ये ब्लॉग हो सकता है मैं उसकी बर्थडे पे ही कंटिन्यू करूँ या अभी कंटिन्यू रखूँ, आई डोंट नो, बट अभी तो ये चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी का मसाला हो गया हमारा तैयार। अब इसके अंदर मैं हरे मसाले ऐड कर दूँगी। चूल्हा मैंने कर दिया है इसका बंद। देखिए पुदीना मैं बहुत सारा डालती हूँ क्योंकि पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे। हरा धनिया थोड़ा कम ही क्योंकि इतना उसका फ्लेवर पता नहीं लगता, बट हाँ थोड़ा बस ऐड कर देती हूँ। ये गया हमारा सारा पुदीना। अब डालूँगी मैं हरा धनिया। अच्छा मेरे पास आज आलू बुखारे नहीं हैं, ये देखिए हरा धनिया डाल दिया। आलू बुखारे होते हैं तो मैं वो भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि मुझे खटास बहुत पसंद है। मतलब बिरयानी थोड़ी बैलेंस ही होनी चाहिए, खट्टी चटपटी सी होनी चाहिए, सो इसलिए मैंने इसमें अभी थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर दिया है। और अब आ गई मेरे पास ये 3 बड़ी हरी मिर्चें थी जो मैंने काट ली हैं। अब इसको मैं ढक्कन करके साइड पे कर दूंगी। ये हमारा प्याज फ्राई हो रहा है यहाँ पे, और ये रहा हमारा कीमा जो हमने मसाला लगा के रखा था। ये फ्राइड प्याज मैं इसमें डाल के और इसको फिर मैं दम पे रख दूँगी। उसके बाद इसमें कोयले का धुआं लगा के ऊपर से गार्निशिंग करके सर्व करेंगे इसको। ये देखिए प्याज हो गया हमारा लाल, अब हम इसको कीमे में ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने ये कीमे में ऐड कर दिया। अब हम इस कीमे को मिक्स करके दम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, और जब ये कुक हो जाएगा अच्छे तरीके से तो हम इस पर कोयले का दम लगा देंगे। हो गया हमारा पास्ता सैलेड भी रेडी, अब इसको भी क्लिंग करके हम फ्रिज में रख देंगे। रेडी हो गया हमारा रायता, अब हम इसको भी फ्रिज में रख देंगे क्लिंग करके। अच्छा जी तो अब हम आ गए हैं अपने अगले खाने की तरफ जो है बेक्ड चिकन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर चिकन को डायरेक्टली ओवन में बेक करने के लिए रख दो तो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, सेकेंडली वो बहुत ड्राई हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले इसको थोड़ा सा स्टीम कर लेती हूँ। तो स्टीम करने के लिए मैं बताती हूँ मेरे पास क्या सेटअप है। स्टीमर है नहीं प्रॉपर, सो जो मैं मेकशिफ्ट स्टीमर बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक बड़ा पतीला है, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया है, और ये जो चावल छानने वाली हमारे पास स्ट्रेनर होता है वो इसके ऊपर रख दिया है। अब दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। ये देखिए ये मेरा है मैरिनेट चिकन। ये मैंने ऑलमोस्ट रात को 1 बजे के करीब इसको मैरिनेट करके रख दिया था मसाले लगा के। अच्छा अब जो मैं करूँगी, मैं इसकी लेग्स को टाई करूँगी क्योंकि मुझे ये इस तरह अच्छा नहीं लगता, और बेक होने के बाद तो और अजीब लगने लगता है। मिलते हैं आपसे इसकी टांगें बांधने के बाद। हमने इसकी लेग्स टाई अप कर दी हैं, अब हम इसको स्टीमर में रखेंगे ढक कर। इसको मेरे ख्याल में 15-20 मिनट्स के लिए मैं पका लूँगी। अच्छा और जो बाकी मसाला उसका नीचे बैठा हुआ था बोल के अंदर, वो मैंने छोटे एक बोल में शिफ्ट कर लिया। इसको हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि जब ये स्टीम हो जाएगा काफ़ी सारा इसका मसाला जो है वो स्टीम में निकल जाएगा, तो हम ये मसाला दोबारा लगा के इसको बेक करने के लिए रखेंगे। पता नहीं गाइस क्या हो गया मेरे ओवन के साथ। क्या हो गया? अबे भाई वो तो उसको चिपक गया, पता नहीं क्यों स्मोक निकल रहा है इसमें से, बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, स्मेल आ रही है अजीब सी। तो खैर मैं अब ग्रिल ऑन नहीं करूँगी इसका, ये जो स्टोव नीचे होता है वो ऑन करके फिर सो करती हूँ। कोई जल्दी जल्दी में काम हो रहा हो और कुछ ख़राब ना हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है मेरी ज़िंदगी में। सारा कर करा के अब बेक करने के लिए रख रही थी चिकन, तो पता नहीं क्या हुआ मुसीबत। खैर अब मैंने उसको रखा है, उसका नीचे से ऑन करके ग्रिलर बंद किया है, दिखाना पड़ेगा किसी को बुला के। क्या मुसीबत है समझ नहीं आता।
ये रही मेरी बिरयानी, पता नहीं कैसी बनी है, शक्ल से तो अच्छी लग रही है, खुशबू भी अच्छी है। अब जल्दी से अंदर भिजवाती हूँ वरना ठंडी हो जाएगी। वेलकम बैक जी। तो गुजर चुका है पूरा दिन और ऑलमोस्ट रात के 12:30 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, और पूरा दिन कामों में गुजर गया। गेस्ट थोड़ा लेट आए, खाना काफ़ी लेट सर्व किया उनको, और अब अपना खाना लेके बैठी हूँ। खाना बहुत मज़ेदार बना है, बिरयानी इज़ वेरी यम, बहुत टेस्टी बनी है। है मैं अपना खाना इन्जॉय कर रही हूँ, इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से अगले अगले ब्लॉग में, नहीं मेरे ख्याल में अगली क्लिप में। बाय बाय। तो जी क्या लगा आप लोगों को, मैंने वहाँ पे वीडियो एंड कर दी, कर तो दी थी, लेकिन अभी ये मेरे साथ ये बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा जिन्होंने खाना इन्जॉय किया है उनसे तो पूछा जाए खाना कैसा था। सो हाउ वाज द फूड? वाज वेरी डिलीशियस। बहुत अच्छा एंजॉय किया। कैसे? बहुत अच्छा माशाल्लाह खाना। सबसे बेस्ट क्या था? कीमा बहुत अच्छा था। कीमा बहुत अच्छा था। हां चिकन बहुत वेरी गुड। अच्छा और ट्राइफल बहुत ऑसम। एज़ यूजुअल ट्राइफल तो इनकी जान है ना। ट्राइफल तो ऐसे ऐसे टाइमों में मैंने बना के खिलाया है कि मैं बस बता भी नहीं सकती अब मैं किसी को कि मैंने किस किस हालत में इनको ट्राइफल बना के दी है। ट्राइफल के लिए छुट्टी नहीं है, लव फॉर ट्राइफल। खैर अब हम जा रहे हैं अपनी अम्मी के घर, क्योंकि बच्चे अपनी नानी के घर हैं कल से, और बस अब जाएंगे हम भी, स्टे करेंगे, कल इंशाल्लाह वापसी करेंगे। अब मैं ये ब्लॉग यहाँ पर एंड कर रही हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोग अगले ब्लॉग में। डेस्परेशन का लेवल आप चेक करें बारिश के लिए, इतनी सी पड़ी है और इतने एक्साइटेड हो गए। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो गई कि यार काश तेज़ हो जाए थोड़ी बारिश, सुकून हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, बहुत 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 अच्छा लगेगा हमें तो। लविंग दिस सॉन्ग्स राइट नाउ, मूड